इस वर्ष 9 जनवरी को भारत ने कृतज्ञता से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी के शताब्दी वर्ष को मनाया। उनकी वतन वापसी न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी युगांतरकारी घटना सिद्ध हुई। गांधी जी ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया बल्कि विश्व को अहिंसक प्रतिरोध, शांति एवं मानवता का संदेश भी दिया। गांधी जी की ही तरह विश्व के अनेक देशों में प्रवासी भारतीय सदियों से निवास कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के बारे में जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रवास क्या है। भारत से प्रवास की परंपरा कब प्रारंभ हुई इत्यादि। जो लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र बस जाते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। प्रवास अनेक कारणों से होता है, लेकिन सबसे मुख्य कारण आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश है। प्रवासी भारतीयों से आशय उन लोगों से है जो मूल रूप से भारतीय हैं परंतु विभिन्न कारणों से विश्व के दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत से प्रवास का प्रथम उल्लेख हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसा पूर्व 3री शताब्दी में श्रीलंका, यूनान, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा आदि देशों में अपने दूत भेजे थे। इसके पश्चात 11वीं सदी में दक्षिण भारत के प्रतापी चोल सम्राटों ने जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि सुदूर पूर्व देशों की विजय यात्रा की, जिसके फलस्वरूप इन देशों में भारतीयों का प्रवास हुआ। यह एक मान्य तथ्य है कि इस काल के व्यापारियों ने अपने जहाजों से रोम तथा चीन तक व्यापारिक गतिविधियां संचालित की थीं। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों, फिजी और दक्षिण अफ्रीका फ्रांसीसियों और जर्मनों द्वारा रीयूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में, डच और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, यमन दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में कृषि कार्य हेतु करारबद्ध रूप से अर्थात एग्रीमेंट के तहत लाखों भारतीयों को ले जाया गया, जिन्हें लोक भाषा में गिरमिटिया मजदूर कहा गया। आधुनिक समय में प्रवासियों की दूसरी तरंग व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गई। यह प्रवृत्ति अभी भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि से उत्साहित भारत के अर्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों का
आर्थिक प्रगति हेतु अरब देशों में प्रवास अभी भी जारी है। प्रवास की नवीनतम लहर वर्ष 1960 के पश्चात प्रारंभ होती है। यह मुख्य रूप से ज्ञान आधारित प्रवास लहर है। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंध परामर्शदाता, वित्तीय विशेषज्ञ तथा वर्ष 1980 के पश्चात से संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल है। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी इत्यादि देशों में प्रवास किया। वर्तमान में विश्व के लगभग 200 देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की संख्या करीब 2.5 करोड़ है। स्टॉप।